My name is Sridhatri. I came to visit Himachal Pradesh. I have come with my parents. हम लोग को घूमना बहुत बहुत पसंद है. और आज कितनी तारीख है? आज है आपका 20 अक्टूबर. और आज हमारा टूर स्टार्ट हुआ है. आज टूर स्टार्ट हुआ है. कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम अमृतसर से स्टार्ट किया आज. कब से कब तक है आपका टूर ये? हम लोग 20 से अमृतसर, मतलब 19 का आए थे अमृतसर, तो 20 से अमृतसर शुरू किए. अच्छा 20 का 26 तक खत्म होगा. 20 से 26 तक हम घूमेंगे. ये है अमृतसर की गोल्डन टेंपल की पार्किंग. अगर आप लोग अमृतसर गोल्डन टेंपल और जलियांवाला बाग घूमने के लिए जाते हैं तो ये सबसे नज़दीकी पार्किंग आपको यही मिलेगी. और बहुत बड़ी पार्किंग है ये, बिल्कुल जलियांवाला बाग और गोल्डन टेंपल के पास ये पार्किंग है. और इसके पास अंदर जितने भी गोल्डन टेंपल और जलियांवाला बाग की तरफ जो होटल हैं, मैक्सिमम जितने भी लोग वहाँ पे रुकते हैं तो उनकी गाड़ियाँ जो है इसी पार्किंग में खड़ी होती हैं. और मेरे कस्टमर भी यहीं अंदर रुके हुए हैं और मैं यहीं पर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ. बिल्कुल अमृतसर गोल्डन टेंपल के पास ये बड़ी पार्किंग है. अगर हमें जलियांवाला बाग घूमना है और गोल्डन टेंपल दर्शन के लिए जाना है तो ये सबसे नज़दीकी और बहुत बड़ी ये पार्किंग है. इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं 10:10 हुए हैं और मैं गोल्डन टेंपल की पार्किंग में अपने कस्टमर के आने का इंतज़ार कर रहा हूं. जो मेरे साथ टूरिस्ट हैं उनका यहीं अंदर होटल है और मैं यहां पर उनका इंतज़ार कर रहा हूं. अब देखते हैं कितने बजे हम यहां से आगे निकल पाते हैं. थल्ले ग्राउंड फ्लोर से ना मेरी सवारी सामान लेके आंदी पई है. आज है 20 अक्टूबर 2022 और दिन है आज वीरवार का. और इस वक्त हम लोग हैं अमृतसर में और आज हम निकलेंगे अमृतसर से डलहौजी के लिए. आप लोगों को भी तस्वीरें दिखाएंगे और रास्ता भी दिखाएंगे कि अमृतसर से डलहौजी तक का कैसा रास्ता है. पर के महीने में जो भी लोग डलहौजी की तरफ जाएंगे उनको आज इस वीडियो के माध्यम से अमृतसर से डलहौजी तक के रास्ते की जानकारी भी मिल जाएगी. तो चलो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं. 11:40 हो चुके हैं और कस्टमर जो है वो होटल से शायद निकल चुके हैं. उनका फ़ोन आ चुका है और अब थोड़ी देर में हम जो है अमृतसर से डलहौजी के लिए निकलेंगे. मेरा नाम है कृषानु, मैं कलकत्ता से हूँ. हाँ, मेरे साथ मेरा वाइफ एंड मेरा बेटी है. हम लोग को घूमना बहुत बहुत पसंद है. और आज कितनी तारीख है? आज है आपका 20 अक्टूबर. और आज हमारा टूर स्टार्ट हुआ है. आज टूर स्टार्ट हुआ है. कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम अमृतसर से स्टार्ट किया आज, डलहौजी की तरफ जा रहे हैं. कल कितने बजे पहुँचे थे आप? कल 9:30 रात को उतरा था फ्लाइट से. अच्छा, और फिर होटल तक? होटल से मैं कैब, मतलब यहाँ से अगर मैं लेता तो होटल तक नहीं छोड़ता. हाँ, तो मैं होटल को ही बोला था, होटल का गाड़ी लेके गया था. अभी भी होटल का गाड़ी छोड़ के गया? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं एक रिक्शा से आ गया. अच्छा अच्छा, तो वो होटल के रूम में ही इंक्लूड था उनका पिकअप का कि एक्स्ट्रा? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा. वो कितना? वो 700 लिया. 700, ठीक है. फिर कल नहीं गए अंदर? कल मैं अंदर गया था रात को, मतलब दर्शन करने नहीं गया था, बट अंदर गया था. वो करते करते रात को देर हो गया, तो दो सोते सोते 2:30 बजे सोया मैं. अच्छा, तो उसके बाद सुबह कोई उठ नहीं पा रहा था तो थोड़ा देर हो गया. तो उसके बाद लाइन था, 1 घंटा लगा लाइन में. थोड़ा थोड़ा उस पर जालियांवाला बाग गए वहाँ पे एक बार, वहाँ से निकल के बाजार में थोड़ा नाश्ता किया. अच्छा, नाश्ता करके तो तभी आपने फ़ोन किया था जब मैं नाश्ता कर रहा था. उसके बाद खुद जाके निकल गया. रात को हम लोग करीब 2 घंटे तो थे अंदर. अच्छा अच्छा, रात को बहुत तो बड़ा सुंदर लगता है. 11:30 से 1:30 तक लौटे. बहुत सुंदर, रात को ही व्यू ज़्यादा सुंदर लगता है. रात को बड़ा अच्छा लगता है. तो होटल
पास ही था उधर आपके पैदल, के पास पैदल मतलब पैदल 5-6 मिनट मतलब गोल्डन टेम्पल के, गोल्डन टेम्पल के पास 5-6 मिनट लगे तरफ का जो गेट है उस साइड। अच्छा उस तरफ 5-6 मिनट पैदल 5-6 मिनट लगे। पहले हमारी कार जो गोल्डन टेम्पल का आपका जो जहाँ पे जूते जमा करते हैं वहाँ पे कार खड़ी होती थी। अच्छा अच्छा। फिर लंगर घर के बाहर खड़ी होने लगी, फिर उधर अब इधर अब तो इतना ट्रैफिक इतना ये हो रहा है अब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा हाँ मैंने देखा है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे पार्किंग थोड़ा बहुत है, ज़्यादा गाड़ी नहीं है, कुछ कुछ गाड़ी है, पता नहीं पार्किंग के लिए प्राइवेट क्या है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपका डालोसी का रहने वाले हो? हाँ मैं डालोसी का रहने वाला हूँ। पठानकोट आर्मी का ये है ना, पठानकोट आर्मी का कैंप है, कैंप तो सब थोड़ा और चलने से पहाड़ भी दिखने शुरू हो जाएगी अब उधर थोड़े बादल में भी पहाड़ का अलग सा ये रहता है मतलब। देखो उधर फीके 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 पहाड़ दिख रहे हैं। अच्छा हाँ 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 दिख रहे हैं ना। हाँ। उधर वो जो टोल का देखो सामने जो बादल जैसे है ना उसमें थोड़ी सी शेप दिख रही है ना पहाड़ की। बादल है पहाड़ पे है ना, फिर वो आगे बस इधर से आगे पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे ये आगे समझ लो पठानकोट में। अब वेलकम टू पठानकोट। खतरा ही था, मैंने सोचा क्या पता बैलेंस है भी कि नहीं है, इसमें ध्यान भी नहीं रहता ना कभी कभी हम आते हैं तो ये फिर खुलता नहीं है ये टोल, प्रॉब्लम ये हो जाती है। फर्स्ट टैग है ना तो इसमें पहले रिचार्ज करना पड़ता है ना, अभी तो सभी फर्स्ट टैग हो गया है। अच्छा वह टाइम कम लगता है। वो देखो पक्षी खुश हो गए, बारिश हुई है ना, वो देखो सामने आ गए कितने कबूतर ही कबूतर आ गए, ये देखो वो मस्ती कर रहे हैं ना, मजा आ गया उनको। हवा दे रहा है इधर। झूम रहे हैं पक्षी है। हमारी तो पहाड़ी भाषा है हिमाचली, हिंदी से मिलती, हिंदी है ना वो, जैसे आपकी है तो कलकत्ता बंगाली ये सब पढ़ाई जाती है, पंजाबी गुजराती मराठी, हमारी बोली है टोटली, ये मतलब बोली है, बोलने में आती है, ये लिखने में नहीं आती, इसको लिखेंगे तो हिंदी इंग्लिश जिस मर्जी बोली नहीं बोली। पढ़ाई में आप लोग क्या हिंदी से ही करते हैं? हिंदी है हमारी ना पढ़ाई, ये तो बोलने में है टोटल, जो भाषा नहीं है हमारी, ये बोली है, ये बोली है, ये पढ़ाई नहीं जाती है ना लिखाई जाती है, स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है ये। तो ये हर 10 किलोमीटर के बाद इसकी टोन चेंज हो जाती है ना, जो हम बोलते हैं ना भाषा, हर 10 किलोमीटर के बाद उसकी थोड़ी और डायलेक्ट चेंज, एक्सेंट चेंज। अब देखो आगे, अब हम पठानकोट में पहुंचने वाले हैं ना, ये जम्मू भी इस तरह से जाता है। अब ये जैसे पठानकोट से हमारे आगे एक जम्मू के लिए चला जाएगा रास्ता, एक दिल्ली के लिए चला जाएगा जलंधर होते हुए, और एक हमारा चलो जी धर्मशाला के लिए चला जाएगा, हम कुल्लू मनाली के लिए। अच्छा अच्छा अभी हम ये पठानकोट पे आने से तो बहुत जगह पे मतलब उधर से बहुत जगह पे इधर उधर जा सकते हैं। हाँ ये सरना क्या है बड़ा से कोई तो टाउन है, टी पॉइंट है ना जहाँ से ये टच करेगा दूसरे रोड को, इधर आ रहा है अब आगे एक स्पॉट ना। अच्छा, अच्छा। रावी नदी है और मिनी गोवा करके इसको बोलते हैं। अच्छा। तो उधर नीचे चल के देखते हैं, अभी उसमें ओवरफ्लो है पानी, वैसे जो अपना लेवल है ना उसका उससे भी ज़्यादा ऊपर पानी आया हुआ, तो
नीचे जाके एक आधी फोटो निकाल लेना उधर भी। अच्छा। जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी या जो था उसमें तो सारे में पानी भर गया हुआ है, इतना ज्यादा पानी आया हुआ है। बीच में उत्तराखंड में बाढ़ आया था कुछ दिन पहले। हाँ। तो उसमें बहुत लोगों का ये हो गया, मारा गया। हाँ, तो ये है, ये अब फिर हम इधर जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, तो ये नीचे जाके आ जाते हैं, तो चलो एक आधी फोटो निकाल लेना ये। और इसी से अगर थोड़ा आगे चले जाते हैं ना, अच्छा, ये देखो 11 किलोमीटर ये लिखा है ना, मुक्तेश्वर धाम पांडवों की गुफाएं, तो ये इस रोड पे है वो। अच्छा अच्छा, और आगे 11 किलोमीटर और ये नीचे 3 किलोमीटर है ये जो मिन्नी गोवा है। और अब देखो थोड़ा और आगे तक पहाड़ दिखने बाहर दिख रहा है, शुरू हुआ है मिन्नी गोवा। अब जब आपके बर्फ गिर जाएगी तो यहाँ से ये तो पानी तो दिखेगा आपको, इसके साथ साथ बर्फीली जो रेंज दिखती है तो उससे बहुत अच्छा और ज्यादा अच्छा व्यू हो जाता है। ये आ गया, ये देखो ये पार्क इधर अच्छा अच्छा बनाया हुआ है। तो पिछली बार तो ये सारा पानी में डूबा हुआ था, पानी यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है ना, पानी है। अच्छा अच्छा, अभी भी हाँ होगा इधर पानी। तो ये सड़क आगे सड़क ही डूब गई है ना ये, इतना ऊपर तक पानी आ गया, तो ये कम से कम अब तो कम होता चला जाएगा धीरे धीरे ये। अच्छा, ये देखो ये ऊपर तक तो आ गया, आज बहुत ज्यादा पानी है बल्कि देखो। तो ये आगे बेंच लगे हुए वहाँ तक कार जाती थी पहले, वो देखो आगे वो जो लोग हैं। हाँ देखो कितना पानी आ गया ये तो अभी तो आगे तो जा ही नहीं सकते ना, ये सड़क देखो डूब गई है एकदम। तो यहीं पे देखो सामने हट बन रहे हैं वो रुकने के लिए, इधर बन रहे हैं आगे, तो इधर ही जाके थोड़ी बहुत फोटो आप। ये हुआ से ढे हुआ से काफी वेव्स भी काफी है। ये है मतलब क्या बोलते हैं उसको, भी कहीं भी याद नहीं आ रहा है। ये देखो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वही लहरें, वही बोल रहा हूं लहरें। पानी भी बहुत क्लियर है, लेकिन इतना साल वो पानी बहुत क्लियर है। एक मिनट मैं रिवर्स कर लेता हूं पहले गाड़ी ताकि मुड़ जाए। 76 एक फ्रूट डूबे जैसे गाचे तल है चेयर बीन। चमरोह है इस जगह का नाम। हाँ। और मिन्नी गोवा तो लोग लो बोलता है दिया गया नाम है ना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लग रहा था कि समुंदर है एक्सीलेंट, समुंदर में फिर पीछे पहाड़ नहीं मिलता है, यहाँ पे दोनों मिल गया। हाँ वो देखो उधर जो पार्क था ना, उसमें तो पूरे में अभी तक भी पानी भरा हुआ है ना। यहाँ पे फिर थोड़ा सा रेसिडेंशियल है, लोग रहते हैं। हाँ इन पहाड़ियों में स्कूल वगैरह है। हाँ इनमें स्कूल है। अभी डलहौसी कितनी फीट की ऊंचाई पे है? डलहौजी तो ये आपका फुट तो आप लगा लो 2250 मीटर है जो आपका होटल है। 7,500 आसपास होगा कुछ। अभी वो जो लास्ट पहाड़ आपको दिख रहा है समझ लो वो डलहौजी है, वो लास्ट जो एंड वाला दिख रहा है वो। हाँ ये पहाड़ का मुझे बहुत मजा आता है, पूरा घूम घूम के घूम घूम के। हाँ ये देख लो जगह जगह इन्होंने रोड के ऊपर ये इसकी एडवर्टाइजमेंट लगा दी है ना, ये जो बोर्ड लगाया है ये। अब देखो यहाँ से भी निकालनी है फोटो तो निकाल सकते हैं आप। हाँ, यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालनी है एक छोटा सा फोटो निकाल लेते, बहुत अच्छा व्यू है। ठीक है और आगे करूँ थोड़ा इधर से। अच्छा, और बीच में हम लोग गए थे मिनी गोवा। अच्छा बहुत सुंदर जगह है, बहुत बहुत ये लगता है कि समुंदर के बीच में पहाड़।
हुआ है उधर, दिखी उठती हुई लहरें दिखी जैसे समुद्र में उठती है एकदम। आज तो हवा भी थी ना, बहुत हवा थी, तेज हवा है बहुत अच्छी, तो उसकी वजह से बाकी जो लहरें थी वो भी दिख गई समुद्र जैसी ना, बहुत सुंदर था। और ये जगह मतलब कहीं पे इंटरनेट पे तो अभी तक मैं नहीं दिखा हूँ, तो भैया जी हमको लेके गए तो वो बहुत सुंदर जगह था, अच्छा लगा आपको ना? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे तो नहीं लगा कि टाइम वेस्ट हो गया? एकदम ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घूमने आए हैं और इस सब जगह देखने के लिए आए हैं। कितने बजे आज हमारा टूर ये सुबह स्टार्ट हुआ था अमृतसर से? हम लोग सुबह शुरू किए थे अराउंड 12:15 बजे, 12:15 बजे के आसपास हम अमृतसर से निकले हैं, और अभी देखते हैं कितने बजे हम डलहौजी पहुँचते हैं। तो कब से कब तक है आपका टूर ये? हम लोग 20 से आपके साथ मतलब 19 का आए थे अमृतसर, तो और 20 से अमृतसर शुरू किए, 26 का 26 तक खत्म होगा, 20 से 26 तक हम घूमेंगे। क्या क्या घूमेंगे आप इसमें? हम डलहौजी में 3 दिन रहेंगे आज लेकर, और उसके बाद धर्मशाला जाएंगे, वहाँ पे भी 3 दिन अच्छा प्लान है, और फिर लास्ट कहाँ पे? लास्ट अमृतसर में ड्रॉप, लास्ट हमारा अमृतसर है 20 से 26 तक है ना? 20 से 26 तक। आज है हमारा पहला दिन, आज पहला दिन। इधर से अगर हम 10-12 किलोमीटर अंदर जाएंगे ना तो अटल सेतु ब्रिज है। अच्छा अच्छा, तो अगर देखना है तो उधर चलेंगे, क्योंकि 12 किलोमीटर जाएंगे जा 12 वापस आएंगे, है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखना है तब चलेंगे उधर ना, देखेंगे है ना। हाँ, इधर से अटल सेतु ब्रिज से ये दिखे जाएगी क्या? नहीं, लाहौल स्पीति लग गया, ये जम्मू कश्मीर की तरफ का है ना, सॉरी अटल टनल है, वो अटल टनल है, वो अटल टनल है, ये अटल सेतु ये ब्रिज है वो टनल है, तो इधर से जाएगा ये देखो अटल ब्रिज लिखा है ना, ये 10 किलोमीटर ये लिखा है सामने, ये अच्छा ये देखो ये अटल, ये हाँ वो भी है और ये भी, हाँ तो हाँ, और ये अटल ब्रिज है ये, तो अभी हम उधर जाएंगे फिर इधर वापस आएंगे, ये तो वो दो टावरों के ऊपर ब्रिज है, वो दो टावर है जैसे हावड़ा उबड़ा ब्रिज है ना आपका, तो ये दो टावर है और दो टावर के ऊपर ब्रिज है ये, जो अभी हमने नदी देखी है मिनी गोवा इसके ऊपर है ये लंबा, तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है ये। अच्छा अच्छा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को, जैसे अभी हमें डलहौजी से कटरा जाना हो तो हम पठानकोट नहीं जाएंगे, हम यहीं से क्रॉस करके उसको जा सकते हैं, तो वो भी नहीं था पहले, ये भी अभी बना नया रास्ता ना ये देखो। अच्छा, अच्छा। तो इसको आप चाहे अटल सेतु ब्रिज बोल लो चाहे बसोली ब्रिज बोल लो आप, ये है अटल सेतु ब्रिज, बहुत सुंदर है ना, ये हमारा दूसरा स्टॉपेज हो गया, पहला हमने देखा मिनी गोवा और दूसरा देखा अटल सेतु ब्रिज, ये सामने है दिख रहा है, दो टावरों के ऊपर ब्रिज है, तो जाएंगे अभी उधर भी हम जाएंगे, और व्यू कैसा इधर से? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, हवा काम हो गया है। हाँ, पानी एकदम ब्लू पूरा नीला दिखता है आपसे। हाँ, और ये देखो वेदर, बादल छाए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं, ये है आज का वेदर, बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवा आ रही है, ये देखिए तेज हवा, ये है अटल सेतु ब्रिज, दुनेरा से और अंदर 10-12 किलोमीटर जाकर ही आता है। अब ये पंजाब है, पुल के इस तरफ पंजाब है और पुल के दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है, उधर भी जाएंगे, उधर भी फोटो निकाल लेना आप, चले कितना अच्छा व्यू आ रहा है ये एकदम। ये शाम के 5:50 हो गए हैं, हाँ। है ना, तो इधर से सनसेट भी हमें दिख जाता था पर वो तो हो गया, पीछे दिख रहा था ना, नहीं तो हाँ, यहाँ से अच्छा हाँ, आता हो गया, हाँ, अभी तो हो गया, इधर से और अच्छा फोटो हम निकाल सकते थे, सनसेट दिखता और बड़ा अच्छा एकदम से आता इधर से। अब ये इस तरफ पंजाब है ना ये, अच्छा अच्छा, और इसका जो दूसरा किनारा वो जम्मू में, जम्मू कश्मीर, ये है अटल सेतु ब्रिज, ये देखो दो टावरों पे ब्रिज है ये। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले कोई रास्ता नहीं था, ये अब इधर इतनी तेज हवा चलती है ना, फर्स्ट ब्रिज है, द अदर एंड ऑफ द ब्रिज,
अब देखना दोनों तरफ, आपको लग रहा है कि समुंदर में हम आगे, देख लो वो, बहुत वो देखो दोनों तरफ का बहुत सुंदर, उधर देखो उधर है ना एकदम, हाँ रावी रिवर है ये, रावी रिवर, ये देखो रावी रिवर, और पानी कितना साफ है ये देखो ना, पहले कितना साफ पानी, तो ये देखने के प्लेस है ना ये, एकदम एकदम बहुत सुंदर, ये देख लो कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ सफाई, व्यू चारों तरफ, पहाड़ बीच में, इतना अच्छा लेक टाइप लग रहा है ये, हाँ हाँ हाँ। है ना, ये हाँ उतरने देते हैं, जब उधर से वापस आएंगे आएंगे तो फिर उतर जाना, ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है, ये देख लो कितना साफ है ये। ये आ गए अब हम जम्मू कश्मीर में, तो ये इधर फोटो निकाल लो आप, ये आ गया अटल सेतु ब्रिज, इधर इतनी हवा चलती है ना, बहुत हवा है आज तो, वैसे तूफान टाइप है ना कुछ, अच्छा हाँ उधर भी, उधर भी देखो, उधर जब मिनी गोवा में हम गए तो कैसे वो छलांगे लगा रहा था पानी, एकदम कैसे लगे दोनों स्पॉट, ये बहुत सुंदर है, थोड़ा सा और जल्दी होते हाँ, थोड़ा अगर जल्दी तो इधर चाय वगैरह पी के या कुछ ऐसे थोड़ी देर रुक सकता आदमी, या और फोटोग्राफी हो सकती थी, चलो बिल्कुल टाइम में कोई बात नहीं, नहीं नहीं लंबा सफर था ना आज हमारा, और हो जाता कोई बात नहीं, एक्चुअली कल हम लोग बड़े रात से पहुंचे और इनको तो ट्यूसडे रात 1 बजे तक ऑफिस ही करते रहे, अच्छा उसके बाद सारा पैकिंग वैकिंग करके ये करके, चलो कुछ नहीं होता इसमें तो, फिर कल हम पहुंचे उसके बाद बच्चा भी टायर्ड हो गया, फिर हम रात 1 बजे तक गोल्डन टेम्पल में, अच्छा फिर मेरा भी ऑफिस का थोड़ा काम था, वो 1 घंटा वो भी किया, अच्छा। मोबाइल से ही 2:30 बजे मैं सोया, उन लोग सो गए थे, मैं 2:30 बजे सोया। अब यहाँ से अटल सेतु से डलोजी 45 किलोमीटर, अच्छा, है अच्छा, और चंबा 84 किलोमीटर है, अच्छा अच्छा, पठानकोट से 56 किलोमीटर है, फिर 6 बजे उठ गया था, सब लोग सो रहे थे, मैं बुलाया तो कोई उठ नहीं पाया, तो सब 7 बजे उठे, फिर निकल देंगे 8:30 बज गए। ये भी बड़ा वो है ना, लोग घूमने भी निकले होते हैं फिर भी ऑफिस का काम चल रहा होता है, 8:04 पर हम डलोजी पहुंच गए, देख लो कितने घंटे का सफर हो गया हमारा, 8 घंटे हाँ 8 घंटे में हम डलोजी पहुंच गए। ये है आपका होटल ग्रांड व्यू, और ये आपका होटल का स्टाफ है, ये कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ले जाएंगे, ये उनका याद नहीं है ना, ये माउंट व्यू और ग्रैंड व्यू की एक ही होटल है क्या? ना ये मॉर्निंग ट्रिप वाज वेरी नाइस। और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।